स्वागत है आप सभी का गुरु मंत्रा आईएएस क्लासेस में एक बार फिर से। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था जो भी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां थी या पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के विषय में अच्छे से अध्ययन किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे मैदान के विषय में, भारत में जो मैदान पाए जाते हैं, जैसे पश्चिम तट पर जो मैदान पाए जाते हैं या पूर्वी तट पर जो मैदान पाए जाते हैं या हिमालय के दक्षिण में जो मैदान पाए जाते हैं या उत्तर भारत में जो मैदान पाए जाते हैं, उसके विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रायद्वीपीय भारत में जो मैदान पाए जाते हैं कैसे, इसकी बात करते हैं हम लोग। अगर हम प्रायद्वीपीय भारत की संरचना बनाएं तो ये पठारी है, पिछले वीडियो में आप लोगों को मैंने बता दिया था। इसका स्लोप पूर्व की ओर कम है और पश्चिम की ओर ये ज़्यादा उठा हुआ है। आप लोग देख रहे होंगे कि पूर्व की ओर ये कम उठा हुआ है। ये हो गया पश्चिम, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया ईस्ट। अगर हम वेस्ट में देखें तो ये एक खड़े ढाल के रूप में है, इधर भी नदियाँ गिरती हैं ऐसे और इधर भी नदियाँ बहते हुए जाती हैं, दोनों साइड में नदियाँ जाती हैं। लेकिन इधर वेस्ट साइड में अर्थात पश्चिमी घाट में जो नदियाँ गिरती हैं, पश्चिमी भारत में जो नदियाँ गिरती हैं, यहाँ पर जलोढ़ निक्षेप तो बनाती हैं, मैदानी समतल मैदान का तो निर्माण करती हैं, लेकिन एक खड़े कगार के रूप में गिरती हैं, अर्थात एक गर्त के रूप में गिरती हैं, जिससे पश्चिमी घाट की नदियाँ एश्चुरी का निर्माण करती हैं, एश्चुरी या इसी को ज्वार नदमुख कहते हैं। और पूर्वी घाट की नदियाँ एक समतल मैदान, आप लोगों को दिख रहा होगा इधर ढलान कम है, इधर तीव्र ढलान है लेकिन इधर ढलान तीव्र नहीं है, इसलिए ये नदियाँ कम वेग से प्रवाहित होती हैं। और जब ये प्रवाहित होती हैं तो समुद्र का जल, जो बंगाल की खाड़ी का जल है, इसका वेग बहुत ज़्यादा होता है। इसका वेग इतना ज़्यादा होता है कि ये नदी जो आती है, नदी का वेग कम रहता है, जिससे ये वितरिका के रूप में बढ़ जाती है और समतल मैदान में बहती है। जैसे कहीं पर अगर समतल मैदान में पानी गिरा दिया जाए तो बिखर जाता है, उसी तरीके से जब ये समतल मैदान पहुंचती है और इसका वेग कम रहता है तो चारों तरफ बिखर जाती है। बिखरने के बाद ये अपने गाद को या जो भी जलोढ़ मिट्टी लिए रहते हैं उनको वितरित कर देती है, और इस प्रकार से आप लोग देख रहे होंगे एक प्रकार का डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा का सिंबल ऐसे ही होता है, अतः कह सकते हैं कि पूर्वी घाट की नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं और पश्चिमी घाट की नदियाँ एस्चुरी का निर्माण करती हैं। और ये जो डेल्टा है ये बढ़ता रहता है, इसका क्षेत्र बढ़ता रहता है, आगे की ओर ये बढ़ता रहता है। जैसे ये आप लोग देख रहे होंगे कि ये गोदावरी डेल्टा है, गोदावरी डेल्टा भी आगे ऐसे बढ़ता रहता है, या कृष्णा डेल्टा भी ऐसे आगे बढ़ता रहता है, तो इसमें वृद्धि लगातार होती रहती है। और ये बहुत उपजाऊ क्षेत्र होते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर नवीन जलोढ़ मिट्टी का भी निर्माण हो रहा है, और साथ में ये भी देखिए कि ये दलदली क्षेत्र है, अर्थात यहाँ पर पानी हमेशा रहेगा, और जहाँ पर पानी हमेशा रहेगा वहाँ पर सबसे अच्छी खेती किसकी की जा सकती है? धान की। तो यहाँ पर धान की खेती पश्चिमी घाट की नदियों पर, पूर्वी घाट की नदियों के डेल्टाई क्षेत्र में धान की खेती बहुत अच्छी होती है। इसीलिए महानदी डेल्टा, जो कि छत्तीसगढ़ से होकर के बहती है नदी, इसे छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा कहते हैं। पिछले अध्याय में हम आप लोगों को बताए थे कि छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा कहते हैं, क्योंकि धान का उत्पादन यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट के निर्माण के विषय में हम लोग जान गए कि ये नदियाँ अपने साथ जलोढ़ मिट्टी लेकर के आती हैं, जिससे यहाँ पर समतल मैदान का निर्माण होता है। ये क्षेत्र आपको दिख रहा होगा, ये समतल मैदान का क्षेत्र है। और उसके बाद इसके विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक है, पश्चिमी घाट का विस्तार गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक विस्तृत है। अब हम इसकी चौड़ाई की बात करें तो ये आप लोग देख रहे होंगे नर्मदा और ताप्ती नदी है,
नर्मदा और ताप्ती नदी है या तापी नदी है। ये दोनों नदियाँ पश्चिम पूर्व से पश्चिम की ओर बह रही हैं और ये ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। पश्चिमी घाट में बहने वाली सभी नदियाँ ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं, जैसे महाराष्ट्र में नर्मदा और ताप्ती नदी करती है, गोवा में मांडवी और जुआरी नदी करती है, और कर्नाटक में एक नदी है शरावती, और केरल में दो नदियाँ हैं भरतपूजा और पेरियार, जो पश्चिम से पूर्व की ओर गिर करके एश्चुरी का निर्माण करती हैं या ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। प्रश्न आता है कि कौन कौन सी नदियाँ ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं या कौन कौन सी नदियाँ किस किस राज्य में बहती हैं या पश्चिम पूर्व से पश्चिम बहने वाली कौन सी नदियाँ हैं। तो हम लोग फिर से देख लेते हैं, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी महाराष्ट्र में बहती है जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर गिरती है और ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। वहीं गोवा में दो नदियाँ हैं मांडवी और जुआरी, ये भी पूर्व से पश्चिम की ओर गिर करके ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं, और कर्नाटक में एक नदी है शरावती नदी, ये भी पूर्व से पश्चिम की ओर गिरती है। भरतपूजा और पेरियार केरल की नदी है, ये भी पूर्व से पश्चिम की ओर गिर करके ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। अतः हम कह सकते हैं कि पश्चिमी घाट की नदियाँ ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। क्यों करती हैं? क्योंकि ये एक कगार के रूप में नदियाँ गिरती हैं, गर्त के रूप में गिरती हैं, जिसके पास ये गड्ढा कर देती हैं, और गड्ढा करने के पास ये पहले फाप भरता है, फिर उसके बाद पानी ऊपर आता है। इस प्रकार से एक ज्वार नदमुख का निर्माण होता है। अब हम देखते हैं कि ये आप लोगों को दिख रहा होगा, केरल में ये दो भाग ऐसे धंसे हुए अंदर में, इसी को लैगून बोलते हैं, लैगून झील, जो चारों तरफ से जल से समुद्र के जल से घिरा हुआ है। जैसे एक लैगून झील है केरल में अष्टमुडी झील, अष्टमुडी झील लैगून झील है। लैगून झील ये जो होता है समुद्र का जल, यहाँ पर ऐसे समुद्र के जल का भराव होता है। अगर यहाँ पर समुद्र का जल भरा रहेगा तो ये खारे पानी का क्षेत्र होगा, क्योंकि समुद्र का पानी खारा होता है। तो लैगून झील कैसी होती हैं? खारी होती हैं। और उसके बाद यहीं पर है बेम्बानाड झील, बेम्बानाड झील इसी क्षेत्र में है बेम्बानाड झील। दोनों झील केरल में स्थित है, अष्टमुडी और बेम्बानाड झील खारे पानी की झील है, जो कि एक लैगून झील है। अब हम लोग देखते हैं पूर्वी घाट के विषय में। पूर्वी घाट कहाँ से कहाँ तक है? गंगा की सहायक नदी है एक हुगली नदी, जिसके किनारे कोलकाता शहर बसा हुआ है। हुगली नदी से लेकर कन्याकुमारी तक का तट, हुगली नदी से लेकर कन्याकुमारी तक का तट पूर्वी घाट कहलाता है। और ये पूर्वी घाट में भी अनेक नदियां आकर के गिरती हैं, ज़्यादातर नदियां प्रायद्वीपीय भारत की पूर्वी घाट में ही गिरती हैं, और ये डेल्टा का निर्माण करती हैं। अभी हम आप लोगों को बताएं किस प्रकार से डेल्टा का निर्माण करती हैं। जैसे पूर्वी घाट में गिरने वाली नदियाँ हैं स्वर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी, वैगई, ये इत्यादि नदियाँ कहाँ पर गिरती हैं? पूर्वी घाट में गिर करके डेल्टा का निर्माण करती हैं। और यहाँ पर भी कुछ लैगून झीलें बनती हैं, जैसे ये क्षेत्र आपको दिख रहा होगा, ये भी धंसा हुआ अंदर को, भारत के अंदर धंसा हुआ क्षेत्र है। तो ये कौन सी झील है? चिल्का झील, चिल्का झील है, जो कि कैसी है? खारे पानी की झील है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं आंध्र प्रदेश में, ये चिल्का झील कहाँ पर है? उड़ीसा में है। वहीं आंध्र प्रदेश में एक झील है पुलिकट झील, पुलिकट झील, ये पुलिकट झील यहीं पर श्रीहरिकोटा का सतीश धवन केंद्र है, जहाँ से मिसाइल टेस्टिंग की जाती है, इसरो का लॉन्चिंग पैड। अब हम बात करते हैं पुलिकट झील, खारे पानी की झील है जो कि आंध्र प्रदेश में, इसका लोकेशन ही पूछा जाएगा, इसका लोकेशन ये कहाँ पर है पुलिकट झील? तो आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है, और ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर स्थित झील है। पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर स्थित झील है। और अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं, अब हम लोगों को ये भी पता है कि ये लैगून झील है, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ लिया कि डेल्टा का निर्माण करते हैं। अब पूर्वी और पश्चिमी घाट पर जो क्षेत्र हैं उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे पश्चिमी घाट में जो तट है गुजरात से लेकर के गोवा तक के तट को कोंकण तट कहते हैं, कोंकण तट
तट कहते हैं। गुजरात से गोवा तक के तट को कोंकण तट कहते हैं और गोवा से लेकर के कर्नाटक के मंगलौर तक के तट को कन्नड़ तट कहते हैं और कन्नड़ से लेकर के या मंगलौर से लेकर के जो कि कर्नाटक का क्षेत्र है वहाँ से लेकर के कन्याकुमारी तक के क्षेत्र को मालाबार तट कहते हैं। जो कि संपूर्ण केरल में विस्तृत है उसे मालाबार तट कहते हैं। उसी जगह पर पूर्वी घाट में जो क्षेत्र है यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे उड़ीसा, ये उड़ीसा का क्षेत्र है, उड़ीसा में उत्कल तट कहते हैं और ये महान ये गोदावरी नदी है उसके दक्षिण में ये कृष्णा नदी है इसके मध्य के क्षेत्र को उत्तरी सरकार तट कहते हैं और इस कृष्णा नदी से लेकर के कन्याकुमारी तक के तट को कोरोमंडल तट कहते हैं, कोरोमंडल तट कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं उत्तर भारत की। हम लोग पश्चिमी तट के विषय में पढ़ लिए, पूर्वी तट के विषय में पढ़ लिए, अब हम लोग देखते हैं उत्तर भारत में कैसे मैदान का निर्माण होता है। हम लोगों ने पढ़ा है कि हिमालय की तीन श्रृंखलाएँ होती हैं, जैसे ये हो गया लघु हिमालय, ये हो गया मध्य हिमालय और ये हो गया बृहद हिमालय। लघु हिमालय, मध्य हिमालय और बृहद हिमालय ये अपनी नदियाँ यहाँ से निकलती हैं और इस क्षेत्र में प्रभावित होती हैं। जब ये नदियाँ मार्ग में आती हैं तो यहाँ पर बड़े बड़े शिलाओं को तोड़ करके ले आती हैं, पत्थर के टुकड़े को टूट करके ले आती हैं, जिससे यहाँ पर जब ये समतल मैदान में पहुँचती हैं तो उसका वेग बहुत कम हो जाता है। शिवालिक श्रेणी के दक्षिण में जब आती हैं तो वहाँ पर उनका वेग बहुत कम हो जाता है, जिससे यहाँ पर मैदानी भाग में ये निम्न चार प्रकार की आकृतियाँ बनाती हैं या चार भागों में इसे बांटा गया, भाबर क्षेत्र, तराई क्षेत्र, खादर क्षेत्र और बांगर क्षेत्र। तो भाबर क्षेत्र, जब नदियाँ यहाँ पर समतल मैदान में इनका वेग कम हो जाता है तो शिलाएँ आपस में टूट जाती हैं, चट्टानें ऐसे टूट जाती हैं और आ करके यहाँ पर रुक जाती हैं शिवालिक के दक्षिण में और ये बड़े बड़े शिलाएँ होते हैं, ये बड़े बड़े शिलाएँ होते हैं और इन्हीं के मध्य से होकर के नदियाँ बहती हैं। जब रास्ता पाएगी नदी पानी बहने का तो कहीं से बहेगी, ये अंदर ही अंदर नदियाँ बह जाती हैं, ऊपर दिखाई नहीं देती हैं, अर्थात भाबर क्षेत्र में नदियाँ अदृश्य होती हैं। फिर आगे चल करके जैसे ही स्थान पाती हैं तराई के क्षेत्र में वो पुनः चारों ओर वितरित हो जाती हैं, फैल जाती हैं, जिससे तराई क्षेत्र में दलदली मैदान का निर्माण होता है, दलदली क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। जब नदियाँ अपना जल बिखेर देंगी चारों तरफ तो वो क्षेत्र दलदली हो जाएगा और उस क्षेत्र में सांप, बिच्छू, मगरमच्छ आदि निवास करते हैं, बड़े बड़े डेंगू मच्छर भी निवास करते हैं, जिससे ये बहुत हानिकारक क्षेत्र होता है, स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा हानिकारक क्षेत्र होता है। उसके बाद जिस और नदियाँ जब आगे बढ़ती हैं तो वे जैसे मैदानी क्षेत्र का ये कोई धंसा हुआ भाग है और आगे चलते हैं समतल मैदान है, ये हो गए पहाड़ के क्षेत्र, इस तरीके से पहाड़ का क्षेत्र हो जाता है, दोनों साइड से पहाड़ है और नदियाँ अपना गहरा मार्ग ऐसे बना देती हैं, गहरा मार्ग बना करके बहती हैं, जिससे जब नदियाँ बाढ़ आता है नदियों में तो ये इनका पानी का फ्लो इस पर्वत के ऊपर बहने लगता है, इन पर्वत के ऊपर बहने लगता है और फिर जब पानी कम होता है तो ये नीचे हो जाती हैं। तो जब ऊपर पानी उठा था उसके साथ जो मृदा का लेकर आई थी, जलोढ़ मृदा लेकर के आई थी, उससे नवीन जलोढ़ मृदा निर्मित हो जाती है ऊपरी क्षेत्र में, अर्थात खादर का क्षेत्र नवीन जलोढ़ मृदा द्वारा निर्मित क्षेत्र है और इस क्षेत्र में धान की खेती बहुत ही अच्छे तरीके से होती है। और जब ये ऊंचा उठा हुआ भाग है तो यहाँ तो पानी पहुँच गया लेकिन इसके भी पूर्व अथवा पश्चिम में ये भाग जो कि हिमालय के टाइम में निर्मित था, है तो ये भी मृदा ही हिमालय के टाइम में निर्मित जो मृदा था, जो हिमालय के चैप्टर में आपको बताए थे कि यहाँ पर मृदा का निर्माण होता है, तो इसे पुरानी जलोढ़ मृदा कहते हैं, पुरानी जलोढ़ मृदा कहते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि बांगर क्षेत्र में पुरानी जलोढ़ मृदा है इसलिए कम उपजाऊ है, सबसे ज़्यादा उपजाऊ खादर का क्षेत्र है जिसका निर्माण जब नदियाँ बाढ़ के द्वारा ऊपर फ्लो हो जाती हैं तो नवीन जलोढ़ मृदा का निर्माण करती हैं। बांगर क्षेत्र में
पुरानी जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है और खादर क्षेत्र में नवीन जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है और भाबर क्षेत्र बहुत ही अधिक अनुपजाऊ क्षेत्र होता है। यहाँ पर कृषि आदि नहीं किए जा सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पत्थर के टुकड़े पाए जाते हैं बड़े बड़े और यहाँ पर नदियाँ अदृश्य होती हैं। वहीं तराई के क्षेत्र में नदियाँ फिर से बाहर निकल जाती हैं। ये दलदली क्षेत्र होता है लेकिन ये स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही हानिकारक क्षेत्र होता है। खादर क्षेत्र की बात करें तो ये उपजाऊ तो बहुत होता है लेकिन ये नवीन जलोढ़ मिट्टी द्वारा निर्मित है, इसीलिए यहाँ नई नई मिट्टी निर्मित होती रहती हैं और ये उपजाऊ क्षेत्र होता है। बांगर क्षेत्र ये हिमालय के निर्माण के टाइम की निर्मित मृदा है, इसीलिए इसे पुरानी जलोढ़ मृदा कहते हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने अच्छे से अध्ययन कर लिया कि उत्तरी मैदान और दक्षिणी मैदान में जो भी मैदान है उनके विषय में हम लोगों ने अध्ययन कर लिया। अगले अध्याय में हम लोग नदियों के विषय में अध्ययन करेंगे। पहले उत्तर भारत की नदियाँ पढ़ेंगे, फिर दक्षिण भारत की नदियाँ पढ़ेंगे। इस प्रकार से एक एक टॉपिक हम लोग क्लियर कर लेंगे। जय हिंद, जय भारत।